अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जिम्बाब्वे की टीम इसी साल 2020 में टूर करने वाली है पाकिस्तान का। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 और 2 वनडे मैचों की सीरीज़ खेली जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान ये 3 T20 और 2 वनडे मैचों की डेट और टाइम टेबल क्या रहने वाली है, और जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का 15 रकनी स्क्वाड क्या होगा। आइए ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताते हैं। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले नीचे सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि आप दोस्तों को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज़ की मुकम्मल लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले मिलती रहे। जी तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जिम्बाब्वे की टीम अक्टूबर के महीने में टूर करेगी पाकिस्तान का। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 और 2 वनडे मैचों की सीरीज़ के लिए जाएगी। दोस्तों, इसके बाद अगर हम 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 15 कन्फर्म खिलाड़ियों की बात करें, ओपनर बल्लेबाजों की बात की जाए, तो पहले नंबर पर फ़खर जमान का नाम आता है और इसका साथ देने के लिए दूसरे नंबर पर ओपनिंग करेंगे हैदर अली, जो आजकल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पर ओपनिंग करेंगे बाबर आजम। इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में 3 ओपनर बैट्समैन रखे गए हैं, फ़खर जमान, हैदर अली, बाबर आजम। दोस्तों, इसके बाद अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की बात करें तो चौथे नंबर पर प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ का नाम आता है, जो आजकल अपनी परफॉर्मेंस की वजह से दुनिया में धूम मचाई हुई है, और पाँचवें नंबर की बात करें तो इफ्तखार अहमद का नाम आता है। छठे नंबर पर सीनियर और तजर्बेकार बैट्समैन शुएब मलिक को रखा गया है। सातवें नंबर पर खुशदिल शाह का नाम आता है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम विकेट कीपर की बात करें तो आठवें नंबर पर सरफराज अहमद होंगे। अगर हम 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्पिनर की बात करें तो 9वें नंबर पर इमाद वसीम का नाम आता है। 10वें नंबर पर शदाब खान, ये दोनों अच्छे स्पिनर बॉलिंग के साथ साथ ज़बरदस्त बैटिंग भी कर लेते हैं, इमाद वसीम और शदाब खान। इसके बाद अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलरों की बात करें तो 11वें नंबर पर वहाब रियाज का नाम आता है। 12वें नंबर पर शहनशाह अफरीदी, 13वें नंबर पर हसन अली, 14वें नंबर पर मोहम्मद आमिर और 15वें नंबर पर मोहम्मद हसनैन का नाम आता है। दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मुमकिन 15 कन्फर्म खिलाड़ी जो आपको जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में 3 T20 मैचों की सीरीज़ में खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये सीरीज़ कौन सी टीम जीतेगी, पाकिस्तान या जिम्बाब्वे? नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर करें। इसी तरह क्रिकेट की दुनिया से रोज़ाना बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।